तो इसका प्रॉफिट सक्सेस रेट जो 41.84% है, ट्रेड्स अभी भी कम है 141 ट्रेड से मात्र, बट 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट नेट बनाते आप। वेलकम बैक गाइज, कैसे हो आप सब लोग। देखिए दोस्तों, चैट जीपीटी का जमाना है आजकल, सारी चीजें, सारे जो यूट्यूबर है आपको जो है कैसे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी आप जो चैट जीपीटी से सर्च करके निकाल सकते हो, कैसे उसका कोड निकाल सकते हो, कैसे उस कोड को अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के अंदर पेस्ट करके एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ये आपको सिखा रहे हैं। एंड यस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो सिखाऊंगा कैसे आप जो चैट जीपीटी से एक अच्छी सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटेजी निकाल सकते हो, बट यहाँ पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली होता क्या है, सारे यूट्यूबर आपको ये कोई भी एक स्ट्रैटेजी निकाल के देते और यहाँ पर बड़े बड़े क्लेम करते कि ये स्ट्रैटेजी 90% सक्सेस रेट देगी या फिर ये स्ट्रैटेजी 95% का सक्सेस रेट देगी। तो ये बड़े बड़े क्लेम तो करते, बट यहाँ पर इसका प्रूफ क्या है कि ये 90% सक्सेस रेट आपको देगी, जिसे आप रियल टाइम में यूज़ करोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है रियल टाइम में यहाँ पर आप जो किसी भी स्ट्रैटेजी को किसी भी चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करवा सकते हो, यानी कि आप जो स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हो किसी भी चार्ट के ऊपर, लगाने के बाद आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा कि अगर इस स्ट्रैटेजी को मैं इस चार्ट के ऊपर यूज़ करता तो मुझे कितने टोटल ट्रेड मिलते, कितना मेरा सक्सेस रेट होता और कितना मैं पैसे बनाता, ये सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको जो बैक टेस्ट करना है अपनी स्ट्रैटेजी को, ताकि जब आप रियल टाइम में उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट के अंदर यूज़ करो तो आपको यार पछताना ना पड़े कि यार मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर ली। तो एक अच्छी फिल्टर करके हम लोग जो एक 90% वाली स्ट्रैटेजी कैसे निकाल सकते हैं सक्सेस रेट वाली, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने आपके पास डीमैट अकाउंट तो होना चाहिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर अपस्टॉक, जिसके साथ मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, वीडियो के नीचे उसके लिंक दे दिए, जाके आप जो अपना अकाउंट बना लो। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर इस सेशन के अंदर हम लोग जो चैट जीपीटी से बहुत ही अलग अजीब अजीब चीज़ें करवाएंगे एंड हिंदी में भी बात करने की कोशिश करेंगे चैट जीपीटी से, देखते हैं सुनता है कि नहीं। एंड यहाँ पर कैसे आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हो, मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब नीचे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको पाइन एडिटर दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आप जो अपने हिसाब से कोड लिख सकते हो और अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बना सकते हो। और इसी के साइड में स्ट्रैटेजी टेस्टर है, यानी कि जो भी कोड आप वहाँ पर पाइन एडिटर के अंदर लिखोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर आप जो इसके अंदर टेस्ट भी कर सकते हो। अभी आपको नहीं नज़र आ रही बिकॉज हमने कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, बट इसके अंदर आपको पूरा परफॉर्मेंस, कितने सक्सेस रेट होता है उस स्ट्रैटेजी का, कितने आपको ट्रेड्स मिलते हैं और कितना आप प्रॉफिट बनाते हैं, ये सारा डेटा आपको नज़र आता है। यस, मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले हमें जो पाइन एडिटर के अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा, हमें तो आता नहीं है, तो सिंपली हम लोग जो चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे एंड एक कोड लिखने को कहते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के अंदर। तो इसे मैं कहता हूँ, कमांड दे देंगे कि राइट मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, राइट पाइन स्क्रिप्ट टू टेस्ट 921 कर देंगे, 921 मूविंग एवरेज, जस्ट फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, डन, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा, पूरा कोड दिखेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये राइट अ पाइन स्क्रिप्ट, पाइन स्क्रिप्ट यानी कि क्या, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पाइन एडिटर के अंदर जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, जो कोड लिखते हैं, उसे पाइन स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इसलिए मैंने इसे कहा है कि राइट अ पाइन स्क्रिप्ट मूविंग एवरेज के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा कोड जनरेट हो चुका है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली आपको यहाँ से राइट साइड से कॉपी करना है एंड यहाँ पर पाइन एडिटर के अंदर इसे पेस्ट करना है। और राइट साइड में आपको ऐड टू चार्ट का ऑप्शन नज़र आता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूरी स्ट्रैटेजी चार्ट के ऊपर आपको नज़र आएगी, आपकी कैंडलस्टिक के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बाय एंड सेल के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं टेक्स्ट के साथ, एंड क्रॉसओवर है, सिंपली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब जब क्रॉसओवर आ रहा है तो आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, आपको जो लिख के यहाँ पर हिंट के साथ दे दिया। और नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देखो पाइन एडिटर के अंदर, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पर पाइन एडिटर के अंदर आपको डाल के ऐड टू चार्ट करना है और उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी टेस्टर के अंदर ये सारा परफॉर्मेंस दिखेगा। अब आपको क्या क्या दिखता है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको बाय एंड सेल ऊपर नज़र आ रही है, तो बेसिकली आपको ये ट्रेड्स है।
तो 274 ट्रेड्स आपको, यानी कि इंडिकेशन आपको मिलते ही इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर अगर आप इसे यूज करते तो, एंड आपका सक्सेस रेट होता 36.5%। ओके, तो कम है थोड़ा, ओके, बिकॉज ये छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड्स है। और नेट प्रॉफिट यानी कि लॉस घटा के नेट प्रॉफिट आप जो 2,336 रुपए करते। अब देखिए, ज्यादा ट्रेड्स अगर आपको मिल रहे यानी कि वो स्ट्रैटेजी सही नहीं है, बिकॉज बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो शायद ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा काम कर सकती है। तो यहां पर हम लोग इसे करेंगे कन्वर्ट 15 मिनट के अंदर, बट 15 मिनट के अंदर भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, उतने ही ट्रेड से 37.1 थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं है, तो सक्सेस रेट थोड़ा सा बड़ा है, बट अभी भी नेट प्रॉफिट एक्चुअली घटा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढने में, आपको बताऊँ कैसे आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हो। चैट जीपीटी से आपको स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं मिल सकती, बस एक कोई भी एक रैंडम स्ट्रैटेजी वो दे देगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको कैसे, कहाँ से ढूंढने का अच्छी स्ट्रैटेजी कोड के साथ। ओके, मैं अभी हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ। एक पाइन स्क्रिप्ट लिखो जहाँ जहाँ बुलिश एंगल्फिंग करेंगे, जहाँ जहाँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, नहीं कैंडलस्टिक लिखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे वहाँ हाईलाइट कर दो। अभी काफ़ी, पहली बात तो हिंदी में लिखा है मैंने, करो एंटर। पता नहीं अभी करता है कि नहीं, बट देखते, हिंदी में इसे समझ में आता है नहीं, और मैंने काफ़ी हार्ड टास्क दिया इसको, जहाँ पर कैंडलस्टिक दिखे हैमर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, वहाँ पर इसे हाईलाइट करना है। अभी एक बहुत ही टफ कोड है, इसे कोई भी नहीं कर पाएगा, बट देखते चैट जीपीटी करता है कि नहीं। काफ़ी बार ये एरर दिखाता है कोड के अंदर, अगर आप पेश करोगे पाइन एडिटर के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल सकती है, बिकॉज चैट जीपीटी के अंदर एक सही कोड कभी कभी नहीं होते, कंपाइल नहीं हो पाते। तो सिंपली यहाँ पर आपका कोड आ चुका है, और नीचे काफ़ी सारी चीज़ें आपको आपकी नॉलेज के लिए देता रहता है, तो इसका अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसे इग्नोर कर दो। हमारे पास आपका कोड आ चुका है, सिंपली हम लोग जाएंगे इसे कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पर पाइन एडिटर के अंदर इसे जो है सिंपली आपको बस पेस्ट करना है, एंड उसके बाद आपको ऐड टू चार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाईलाइट तो हो चुके, जो कि मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी टेस्टर के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, बिकॉज स्ट्रैटेजी नहीं है, तो यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता, ये बेसिक हमने इसे हाईलाइट करने के लिए बस कमांड दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने हाईलाइट किया है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। आपको बताया कि यार पहले वाला कैंडल छोटा होता है रेड, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आता है जो पहले वाली कैंडल को पूरा ढक देता है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये ग्रीन कैंडल को हाईलाइट कर रहा है, हर एक बुलिश कैंडलस्टिक की ग्रीन कैंडल को हाईलाइट कर रहा है, बट ये इतना एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज कोई कोई बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है भी नहीं, उसे भी हाईलाइट कर रहा है शायद। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला इतना एग्जैक्टली बुलिश नहीं है, बुलिश एंगल्फिंग, ओके ये वाला बोल सकते हैं हम लोग। तो यस, कोई कोई चीज़ों को ये ठीक से हाईलाइट कर पा रहा है, बट काफ़ी बार ये गलती भी कर रहा है, तो ये ठीक से इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इसके ऊपर आप जो कम्प्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, ओके, बस आप इसे अपनी हेल्प के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, देखो हर बार आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी टेस्टर के अंदर आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजी मिलती है, आपको बस लोड योर स्ट्रैटेजी के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजी, जैसे कि यहाँ पर देखो इनसाइड बार स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है, वो स्ट्रैटेजी आपके चार्ट के ऊपर डायरेक्टली प्लेस हो जाएगी। लाइव चार्ट के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, ऑफलाइन चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो आपको बहुत ये इनसाइड बार के अंदर आपको सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, बट 389 ट्रेड्स और नेट प्रॉफिट माइनस में 170। बिकॉज नेट प्रॉफिट माइनस में इसलिए, बिकॉज अगर आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिल रहे हैं, यानी कि जो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और बड़ी मूव कैप्चर नहीं कर पा रहा है ये स्ट्रैटेजी, एक बड़ी मूव आपको नहीं दे रही है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हो तो 49% का सक्सेस रेट है, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स है, तो इसलिए आपका नेट प्रॉफिट माइनस में है।
यानी कि बड़ी मूव कैप्चर करने में, बिकॉज बार बार आपको अगर बाय सेल करेगा तो आपके बार बार स्टॉप लॉस कट करेंगे, तो आपको कम ट्रेड्स वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, कम ट्रेड्स आपको दे, बट जब भी कन्फर्म हो तभी आपको ट्रेड्स चाहिए। ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए आपको सिंपली गूगल के ऊपर, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, आपको जाना है, कुछ भी लिखो आप, 60% सक्सेस रेट पाइन स्क्रिप्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे जिसके अंदर आपको जो है विदाउट एरर वाले अच्छे कंपाइल किए हुए जो पाइन स्क्रिप्ट होते हैं, यहाँ पर मैंने एक चेक करके रखा था अल्गो ट्रेडिंग 1.0 के अंदर वन, यहाँ पर अगर आपको नीचे जाओ, देखो छोटे छोटे काफ़ी सारे कोड्स होते हैं इस आर्टिकल के अंदर, आपको नीचे जाना है, एक बड़ा कोड जो है प्रोग्राम उसे आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पर जो है नीचे अगर आप जाओगे तो सिंपली ओके ये वाला जो कोड है, तो ये यहाँ पर ये स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट किया होता है, ये रेडीमेड आपको मिल जाती है, तो इसे सिंपली इस कोड को कॉपी करना है एंड यहाँ पर पाइन स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसे जो है डाल देता हूँ पाइन एडिटर के अंदर, सिंपली पेस्ट, और इससे हम लोग जो ऐड टू चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके सो ये यहाँ पर अब आ चुका है, ये कंप्लीट पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर ये जो आपको दिखा रहा है ये सिंपली मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका सक्सेस रेट 38.91% है एंड यहाँ पर अगर आप चार्ट के अंदर देखो तो आपको बार बार बाय सेल नहीं दिखा रहा है, टोटल ट्रेड्स 131, बहुत कम ट्रेड्स है बट 4.5 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट है, यानी कि ट्रेड्स आपको कम चाहिए, कम ट्रेड्स देने वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, यानी कि इंडिकेशन आपको कम मिले, बट जब भी आपको इंडिकेशन मिले तो कन्फर्म चाहिए आपको। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत ही कम ट्रेड्स आपको दिए, यानी कि अगर आप देखो लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग यानी कि आपको बाय करना है और शॉर्ट यानी आपको सेल करना है, तो लॉन्ग जस्ट जब उसने इंडिकेशन दिया लॉन्ग का, उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर उसके बाद कोई भी आगे इंडिकेशन नहीं है, लॉन्ग के बाद जैसे आपने बाय किया होता तो कंटिन्यूसली कितने दिनों तक ये ऊपर चलता चला गया। तो आप जो है कम ट्रेड्स में एक बड़ी मूव कैप्चर कर पाओगे, सिंगल ट्रेड के अंदर एक बड़ी मूव कैप्चर कर पाओगे, तो ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जहाँ पर आपको ट्रेड कम मिले बट जो भी कन्फर्म इंडिकेशन हो वही आपको प्रोवाइड करें, बहुत पैसा बना सकते थे इसे। अगर मैं 30 मिनट के चार्ट में यूज़ करूँ तो 1.4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इसे मैं स्विंग ट्रेड के लिए डेफिनेटली यूज़ करना चाहूँगा, अगर डे टाइम फ्रेम के अंदर मैं इसे यूज़ करूँ तो इसका प्रॉफिट सक्सेस रेट जो है 41.84% है एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रेड्स अभी भी कम है, 141 ट्रेड से मात्र बट 2.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नेट बनाते आप। तो यहाँ पर आप देखो सक्सेस रेट ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट कम ट्रेड चाहिए, बट कंफर्म ट्रेड चाहिए जहाँ पर आप बड़ी मूव कैप्चर कर पाओ, ज़्यादा बाय सेल वाले नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो ओवरव्यू के साइड में आपको परफॉर्मेंस समरी भी नज़र आता है, यानी कि यहाँ पर जो जितने आप ट्रेड बाय करते या फिर सेल करते उसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना नुकसान होता है इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर अगर आप करते। तो अब यहाँ पर आपको जो दिख रहे 142 ट्रेड्स उसके अंदर जो कब बाइंग हुई है और कब सेलिंग हुई है जो डेटा आपको दिखा रहा है, ये सारा आपको डेटा नज़र आएगा, यानी कि आप देख सकते हो हर एक ट्रेड के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस होता, और ये नेट प्रॉफिट आप जो देख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। चलिए गाइज आज की इस वीडियो के अंदर इतना, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।